हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बच्चों एक्सीलरेटर सीरीज़ में। और आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर बच्चों। आज हम लोगों को स्टूडेंट बात करनी है एरर के एक और कॉन्सेप्ट की। देखिए, हम एरर के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बता चुके हैं बच्चों, और अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास में और बचे हुए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद में एरर का काम हमारा बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम और देखते हैं कि क्या हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए बच्चों, जो प्रॉब्लम हमारे पास में आती है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन थ्री, ये सिचुएशन है स्टूडेंट हमारे पास में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन थ्री। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि हम लोगों को एरर में जो उसके एरर वाले फार्मूले हैं, जो जनरली फार्मूले हम यूज़ में लेकर आते हैं, वो फार्मूले यूज़ ना करके कुछ बेसिक फार्मूले जैसे कि डिफरेंशिएशन की जो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं वो हमें अप्लाई करनी पड़ जाती हैं। आज उन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हमें देखना है कि कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बच्चों। ठीक है, अभी रिसेंटली IIT JEE 2018 के अंदर इसके ऊपर एक प्रॉब्लम पूछी गई थी बच्चों। सही मायने में अगर प्रॉब्लम को देखा जाए, अगर वही प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में देखी जाए तो एक बेसिक, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बच्चों। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम को हम फिजिक्स में देखें, लैंग्वेज सिर्फ चेंज हो गई है, करने का तरीका वही है, तो वही लैंग्वेज फिजिक्स में पहुंचकर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, ओके, देखते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बच्चों। देखिए स्टूडेंट, जो गिवन है डेटा हमारे पास में वो ये है, एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस माइनस के 0.1। फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई। हम लोगों को वाई के अंदर परसेंटेज एरर बतानी है कितनी होगी। अगर एक्स का डेटा आपको गिवन दिया है स्टूडेंट, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ज़रा आप लोग ये देखिए, वाई की वैल्यू आपके पास में है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट। जो ये डेटा आपको दिया गया है ना, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है बच्चों, मान लेते हैं कि ये फिजिक्स का कोई रिलेशन है। हालांकि ऐसा कोई रिलेशन फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नहीं, फिर भी हम लोगों ने लेट कर दिया कि भाई मान लेते हैं कि ये फिजिक्स का कोई रिलेशन है और कैसे हमें इस प्रॉब्लम को बनाना है। तो आप एक काम करिए स्टूडेंट कि एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करिए। देखिए, जब वाई का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा dy/dx। उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2x और यहाँ का डिफरेंशिएशन बनेगा 1/3। यानी मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि dy की वैल्यू बन चुकी है 2x माइनस के 1/3 इंटू dx। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास में dy की वैल्यू बन चुकी है। अच्छा, मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है परसेंटेज एरर इन वाई। वाई के अंदर परसेंटेज एरर कितनी रहने वाली है। देखिए, अगर वाई के अंदर परसेंटेज एरर आपको निकालनी है ना बच्चों, आपको इतना सा काम करना पड़ेगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाई के अंदर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है बच्चों। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है बच्चों वाई के अंदर। अब आप देखो कि कौन कौन सा डाटा मेरे पास में कहाँ से आने वाला है। देखो, हम डी कहें या डेल्टा कहें, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट। हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट करके यहाँ से डी वाई की वैल्यू को निकाल दिया है, और डी वाई की वैल्यू है हमारे पास में ये। इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करते हैं, सो ये बनेगा डेल्टा वाई परसेंटेज इज इक्वल टू 2x माइनस के 1/3, साथ में है dx, डिवाइडेड बाय है y एंड मल्टीप्लाई बाय है 100। यानी ये जो डेल्टा y आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, इस डेल्टा y को मैंने रिप्लेस किया है इस वैल्यू से। अब प्रॉब्लम ये है यार कि चलो x और डेल्टा x तो मैं कहीं से निकाल लूँगा, लेकिन y कहाँ से आएगा। y की जर्नल वैल्यू आपके पास में गिवन है, y की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करिए। सो डेल्टा वाई परसेंटेज इज इक्वल टू
2x माइनस के 1 अपॉन 3, साथ में है डेल्टा x और अपॉन में है x स्क्वायर माइनस के x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे प्यारे बच्चों, ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है y में। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी भाई हमारे पास में? ये जो हमने परसेंटेज एरर यहाँ बनाई है, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास में कहाँ से आएंगी, हमें ये देखना है। स्टूडेंट देखो, ये जो x आपको दिया है ना बच्चों, ये जो वैल्यू दी है ये तो है x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू हो गई है 4 और डेल्टा x की वैल्यू हो गई है 0.1। यानी ये जो आखिर में फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया है बच्चों, यहाँ x की वैल्यू है 4 और dx या डेल्टा x की वैल्यू है 0.1। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके कैलकुलेट करके आपको आंसर बना देना है। कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं, बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं बच्चों। भाई मैंने पूरा डेटा है मेरे पास में, ये सिंपल सा फंक्शन मेरे पास में था स्टूडेंट, मुझे y के अंदर परसेंटेज एरर बतानी है कितनी होगी। मैंने सिंपल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन एक बड़ा ही आसान प्रोसेस है। अगर हम IIT JEE लेवल पर या नीट लेवल पर पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन हमारा क्लियर ही होता है, ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम हमें होती है नहीं। तो हमने डिफरेंशिएशन किया स्टूडेंट, और यहाँ से dy की वैल्यू को निकाला। y मेरे पास में ऑलरेडी है, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है स्टूडेंट। यहाँ वैल्यूज़ को पुट किया, x की वैल्यू है 4 और dx की वैल्यू है 0.1। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके हम आंसर बनाएंगे बच्चों। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, और यहाँ वैल्यूज़ को पुट करके आप आंसर भी बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं और देखते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे बच्चों। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस x। प्रॉब्लम बड़ी इजी है स्टूडेंट, आप लोगों को इस प्रॉब्लम को बनाना है। x की वैल्यू हम लोगों को दी है 1 प्लस माइनस के 0.1, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 1 है ये x की वैल्यू है, और ये जो 0.1 है ये डेल्टा x की वैल्यू है। बच्चों डिफरेंशिएट करिए, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, हमने y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया है स्टूडेंट। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर 3, यहाँ का डिफरेंशिएशन -1। सो dy की वैल्यू हमारी निकल चुकी है बच्चों, ये हमारी dy की वैल्यू निकल चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, हमें निकालनी है y की परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन y, डेल्टा y डिवाइडेड बाय y एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये y की परसेंटेज एरर है बच्चों, डेल्टा वाई दिस वाई ये रहा, और मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स की वैल्यू क्या है 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, या डी एक्स का हो या डेल्टा एक्स का हो, 0.1। प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो आंसर है बच्चों वो मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों।